सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और आज आ गई है हमारे खेत में कंबाइंड हार्वेस्टर, और ये देखिए आप ये किस तरह काटती है और कितनी जल्दी ये काटती है, और आप इसका काम देखिए कितना अच्छा काम है। फिर इसके बाद में रीपर बाइंडर आती है, इस मशीन का नाम है कंबाइंड हार्वेस्टर, और वो आता है रीपर बाइंडर जो दोबारा भूसा बनाएगी। ये केवल अनाज बनाएगी, इस अनाज को ऊपर से काट देगी, ये जो बाल काटेगी तो यहाँ से नीचे से, लेकिन ये अनाज हमको दे देगी, बाकी का सब छोड़ देगी और साथ के साथ ही थ्रेशिंग कर देगी। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ साथ के साथ, और अब ये शुरू हो चुकी है। ये देखिए इसके जो ये चौड़ाई है जो कटर की, ये 16 फीट की, आपको मैं बताऊं। और अब ये मशीन ये सारा अनाज आपकी ट्रॉली में उलट देगी, बस आपको ट्रॉली में तख्ते लगाने हैं और फिर ये अनाज इस तरह उलट देगी। और अनाज देखिए आप कैसा लग रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया, और आराम से अपने घर पर पहुंच जाएगा। और फिर आपको घर पे जाके स्लो से रिता में ट्रॉली उलट जाए अपने बंदे में, यहीं फिर आप स्लो टंकी भर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है काम मशीन किसे निकाल रही है, देखते हैं क्या ये ट्रॉली भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। और ये लगता है मुझे अब ये खाली हो चुकी है और ये ख़त्म हो चुका है, तो ट्रॉली भी ढंग से नहीं भरी। ये 3 बीघे का खेत था, इसमें ट्रॉली भी नहीं भरी। लगता नहीं कि ये 30 मन भी अनाज है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या ये 30 मन अनाज है? मुझे तो नहीं लग रहा है 30 मन अनाज है ये, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह आप अपने खेत में इस तरह कंबाइंड हार्वेस्टर से ये गेहूँ कटवा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा इसकी कटाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।